गुड मॉर्निंग मॉडर्न स्टार्स स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट्स के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द टेबुलर मेथड। हमें सेट्स को किस में लिखना है? टेबुलर मेथड में लिखना है। टेबुलर मेथड तो याद होगा ना, कैसे राइट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को राइट करते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर फैक्टर ऑफ 8। हमें सेट बनाना है नेचुरल नंबर का, और वो भी क्या होना चाहिए? फैक्टर ऑफ 8, 8 के फैक्टर्स होने चाहिए। तो आपका सेट क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू 1, 2, 4, 8, क्योंकि ये क्या है, वैसे तो नेचुरल नंबर्स इसने बोला है, तो बाउंड्री भी, अगर ये इसने बाउंड्री ना दी होती तो हम नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं और सारे लिखते हैं, लेकिन इसने क्या बोल दिया यहाँ पर कि वो नेचुरल नंबर क्या होने चाहिए? 8 के फैक्टर होने चाहिए। तो इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हैं, हम उन्हीं फैक्टर्स को, हम उन्हीं नंबर्स को लिखेंगे जो 8 के फैक्टर होंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द सेट ऑफ बॉबल्स इन वर्ल्ड ग्रेट ब्रिटेन। आपको ग्रेट ब्रिटेन से किसका सेट बनाना है? बॉबल्स के सेट बनाने हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में देखिए कितने बॉबल्स आ रहे हैं यहाँ पर, ई ए, और ब्रिटेन में आई, और यहाँ पे ए आई। एक चीज़ और याद रखना है कि अगर कोई भी एलिमेंट रिपीटेड हैं तो उन्हें हम ओनली वन टाइम राइट करते हैं। तो इस तरह से हमारा सेट क्या बन गया यहाँ पर, पी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा ई कॉमा आई। ये हमारा क्या हो गया? सेट। टेबुलर मेथड में ऐसे ही राइट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को राइट करके कॉमा से सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द सेट ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डे। अब हमें मंथ्स का सेट बनाना है जिसमें कितने डेज होने चाहिए? 30 डेज होने चाहिए। देन क्यू इज इक्वल टू अप्रैल, जून, सेप्टेम्बर, नवम्बर। तो इस तरह से ये हमारा सेट बन गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द सेट बिल्डर मैथड। इस बार हमें क्या करना है? सेट बिल्डर मैथड का यूज़ करना है। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने टेबुलर मैथड में राइट किया था, और इस बार सेट बिल्डर मैथड में राइट करेंगे। ठीक है, सेट बिल्डर मैथड राइट करने का तरीका तो याद ही होगा, कैसे राइट करते हैं। तो चलिए यहाँ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। द सेट ए ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 30। हमें सेट बनाना है प्राइम नंबर्स का, और वो भी 30 से छोटे होने चाहिए, लेस होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर वेयर एक्स इज लेस देन 30। क्लियर हुआ? ये जो एक्स सच दैट एक्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हर जगह राइट रहेगा, और इसके बाद जो भी डिफाइंड होगा हम उसे वहाँ पर राइट कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे इसे क्या पढ़ते हैं, इस डॉट को, सच दैट। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। द सेट बी ऑफ 1 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक सेट बनाना है बी, जिसमें 1 डिजिट के नेचुरल नंबर आने चाहिए और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक है, तो बनाना किस में है हमें, किस फॉर्म में राइट करना है हमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ 1 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वेयर x बिलोंग इन n। ये बिलोंग का सिंबल इस तरह से बनता है। ठीक है, x बिलोंग इन n का क्या मतलब होता है? इसका मीन्स हुआ कि x जो है वो n के एलिमेंट है, मतलब x नेचुरल नंबर है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। c, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबुलर मेथड को चेंज करना है सेट बिल्डर मेथड में। कुछ खास टफ नहीं होता है, बस प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे सेंटेंस हमें खुद से बनाने पड़ते हैं, कोई हेल्प नहीं मिल पाती। तो आप देखें यहाँ पे 7 की टेबल राइटर है यहाँ पर, तो हम लोग क्या सेट में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक्स इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड लेस देन 71। क्या है यहाँ पे, ये मल्टीपल है 7 का और लेस देन है 71 से। क्लियर हो रहा है? x क्योंकि 7 का मल्टीपल होने का मतलब उसकी टेबल में आना ही होता है,
तो यहाँ पे एक्स हमारा 7 का मल्टीपल है और 71 से कम है, क्योंकि 70 तक तो वो आ ही जा रहा है, हमें डेफिनेशन बनानी है, तो उसने क्या लिख दिया यहाँ पे लेस देन 71। क्लियर हो गया? आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, चेंज करना होगा अलग अलग।